हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित RAS CET फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस SI, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, LDC, पशु परिचर एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान पॉलिटी के दोस्तों टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों दो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी तीसरी नंबर की क्लास है। दोस्तों, टॉपिक का नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। दोस्तों, टॉपिक का नाम एक बार फिर से बता देता हूं, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद है वो टॉपिक का नाम है। और इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 80 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं, और ये राजस्थान प्रशासनिक राजव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। दोस्तों, इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, और आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछली जो दो क्लासे हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर जो पिछली दो दो क्लासे हैं वो जरूर देखें, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान की पॉलिटी में अपना पहला नंबर का प्रश्न है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, टीकाराम पालीवाल ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ये आपको इसमें याद रखना है। और जो 3 मार्च 1952 से लेके दोस्तों नवंबर 1922 तक 1952 तक दोस्तों ये मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, यानी कि करीबन आप 10 महीने हैं वो मान सकते हैं। ठीक है, 9 महीने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 2nd नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, बताइए। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं रहे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, हीरालाल शास्त्री रहे, CS वेंकटाचारी रहे, जयनारायण व्यास रहे, लेकिन टीकाराम पालीवाल है वो नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, बताइए, कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भैरव सिंह शेखावत हैं, ये दोस्तों राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री है वो रह चुके हैं। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा, बताइए दोस्तों, सबसे कम कार्यकाल है वो किसका रहा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के अनुसार मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सबसे कम कार्यकाल है वो टीकाराम पालीवाल का रहा, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, वैसे दोस्तों सबसे कम जो कार्यकाल है वो दोस्तों हीरालाल देवपुरा का था, हीरालाल देवपुरा का। ठीक है, ये मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, और इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 23 फरवरी से, ठीक है, 23 फरवरी से दोस्तों 10 मार्च तक इनका कार्यकाल है वो रहा था, यानी कि लगभग 16-17 दिन आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, हीरालाल देवपुरा तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो सबसे कम कार्यकाल वाला जो मुख्यमंत्री है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था राजस्थान के ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, और इनका कार्यकाल है वो दोस्तों 3 मार्च 1952 से नवंबर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा था, यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित
में से मुख्यमंत्रियों के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से अपने को चयन करना है। दोस्तों मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। दोस्तों देखिए यहाँ पे और कूट भाषा में उत्तर देना है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए चौथा, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखता है, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों ये चारों के चारों जो कथन दे रखे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है चार नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 1, 2, 3, 4 चारों ही इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पद किया जाता है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पद किया जाता है, तो दोस्तों मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है और नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, बताइए किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में दोस्तों पहली बार राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल के समय यानी कि मुख्यमंत्री के समय दोस्तों राष्ट्रपति शासन है वो लगा था। कब लगा था, 1967 में लगा था दोस्तों, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत, ये क्रम है, ये बिल्कुल सही है और ये अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है और कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या है, उत्तर देना है, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों विधानसभा के अंदर जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसको दोस्तों राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये भी बिल्कुल सही है, मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए 4 नंबर का, राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों तथा व्यवस्थापन प्रस्तावों की सूचना देता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसमें चारों के चारों कथन है वो मित्रों सत्य है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, बताइए मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो दोस्तों कौन सा एक सही नहीं है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो चयनित शब्द दे रखा है ये गलत दे रखा है, ठीक है। दोस्तों ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त होता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी क्या होता है, नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर चयनित की जगह नियुक्त होता तो दोस्तों ये सही होता, ठीक है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त पाता है, बिल्कुल सही बात है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है। उसका पद पर बने रहना बहुमत
सॉरी बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत से कारक पर, यानी कि बहुमत है तो नेता है, ठीक है, और सदस्य, अगर बहुमत दल के जो सदस्य हैं वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री ये नहीं बना रहे तो वो नहीं बना रह सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, क्योंकि ये कथन है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा एक सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही बात है, करता है। आगे देखिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अपने समस्त कर्तव्यों का प्रयोग करता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अपने समस्त कर्तव्यों का प्रयोग है वो नहीं करता, ठीक है। राज्यपाल के पास कुछ कुछ अपने अधिकार हैं, कुछ अपनी शक्तियां हैं, वो उनके अनुसार कार्य करता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये बिल्कुल सही बात है, करता है। तो यहाँ पर 3रा नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को अपने को क्या करना है, छांटना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन को अपने को क्या करना है, छांटना है, बताना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है, ठीक है। दोस्तों देखिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा 400 से अधिक अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसे राजस्थान में तो 200 ही सीटें हैं विधानसभा की, तो यहाँ पर दोस्तों अधिकतम सीटें हैं वो 500 हो सकती है, लेकिन 450 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, ये गलत है। सबकी विधानसभा में अलग अलग सीटें हैं, तो अपना पहला कथन है वो इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए 2रा नंबर का, कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो, यानी कि सीधा सा है, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र है वो 25 होनी ही चाहिए। आगे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय विधानसभा की अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए राजस्थान विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य की विधानसभा की बैठक हुई हो, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों 2, 3, 4 ये तो क्या है, सही है, पहला कथन इसमें गलत दे रखा था, तो इसमें पहला ही ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो वो थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की है, ये दोस्तों राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे देखिए संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है, संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है, तो दोस्तों बताइए कौन से अनुच्छेद में है मुख्यमंत्री के कर्तव्य, तो अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 167 के अंदर दोस्तों मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये तो सभी को पता है कि 15% से ज्यादा है वो नहीं हो सकती। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक दोस्तों मंत्री परिषद की संख्या है वो हो सकती है, यानी कि जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 का 15% कितना होता है, 30, यानी कि अधिकतम 30 मंत्री है वो बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, तो दोस्तों प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे तो वो कौन थे, तो वो थे हीरालाल शास्त्री है, ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे दोस्तों टीकाराम पालीवाल, कौन थे, टीकाराम पालीवाल, ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे,
और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे, और दोस्तों एक चीज और आपको याद रखनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री थे और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। और दोस्तों वह मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों रहे तो वो थे दोस्तों जयनारायण व्यास, याद रखना। यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, अभी बताया मैंने आपको, टीकाराम पालीवाल। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। आगे देखिए, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गिरिजा व्यास, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री तो दोस्तों वो है वसुंधरा राजे, ठीक है। कौन है? वसुंधरा राजे, दोस्तों आप सभी को पता होगा। और सुचेता कृपलानी है, ये भारत की पहली मुख्यमंत्री रही है, महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। और राजस्थान की वसुंधरा राजे है, ठीक है। चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक समयावधि तक मुख्यमंत्री रहे, सर्वाधिक समयावधि तक मुख्यमंत्री रहे तो वो कौन रहे? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, ये सर्वाधिक समय तक दोस्तों ये मुख्यमंत्री रहे। यहाँ पर तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया है वो दोस्तों करीबन 17 वर्ष तक, दोस्तों 17 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, चार बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तीन नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, मैंने अभी आपको बताया था कि सदस्य संख्या का 15%, यानी कि दोस्तों 200 का 15% कितना होता है? 30। तो अधिकतम संख्या है वो 30 हो सकती है, तो यहाँ पर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? बताइए, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन है वो कब हुआ? तो दोस्तों ये गठन हुआ था 3 मार्च 1952 को, 3 मार्च 1952 को प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन है वो हुआ था। तो यहाँ पर तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, योजना बोर्ड का, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है, यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री होता है। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? राजस्थान सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो दोस्तों परामर्श देता है कौन? तो राज्य का महाधिवक्ता परामर्श देता है, यहाँ पर तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, बताइए, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? तो दोस्तों उनका नाम है क्या? बरकतुल्ला खां। दोस्तों ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बरकतुल्ला खां। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो दोस्तों सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे तो कौन रहे? तो दोस्तों हरदेव जोशी रहे, ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे तो दोस्तों हीरालाल देवपुरा रहे, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था हीरालाल देवपुरा कितने दिन, दोस्तों ये 16 दिन, ठीक है, 16 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल देवपुरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, हीरालाल देवपुरा 16 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। आगे देखिए, राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, बताइए राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन से मुख्यमंत्री थे वो? तो वो थे दोस्तों C.S. वेंकटाचारी, कौन थे? C.S. वेंकटाचारी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये 1951 में बने थे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भैरव सिंह शेखावत, तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है,
महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है वो दोस्तों कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे, यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कौन? महाधिवक्ता, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 165 में इस पद का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता को राज्य के विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य राज्यपाल को कानूनी परामर्श देना है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी कथन है वो महाधिवक्ता से संबंधित सत्य कथन है। यहाँ पर 5 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों अगर आपने अभी तक आराध्यारस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और जिस किसी ने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार क्लास को सभी के सभी मित्र हैं वो लाइक कर दीजिए। और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है, आपको नई नई क्लास और नए नए नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, देखिए राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन तथा शासन व्यवस्था की देखरेख हेतु राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन तथा शासन व्यवस्था की देखरेख हेतु राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1951 में, 1951 में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन तथा शासन व्यवस्था की देखरेख हेतु राजस्थान मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का जो पद है वो 24 जनवरी 1950 को सृजित किया गया था, ठीक है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय की जो स्थापना है वो वर्ष 1951 में की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है, मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन है वो दोस्तों कौन सा है? दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए विधानमंडल के बहुमत दल के नेता के रूप में वह विधानसभा का नेतृत्व करता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। ये कथन है जो यहाँ पर दे रखा है ये दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों तथा व्यवस्थापन प्रस्तावों की सूचना देता है, बिल्कुल सही है। ये दोस्तों ये सभी के सभी कथन है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो दोस्तों किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्ति है वो की जाती है महाधिवक्ता की, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्त की देखी है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्री परिषद की बर्खास्त की देखी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भैरव सिंह शेखावत। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं तो दोस्तों कौन दिलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्यमंत्री। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्यपाल का नाम है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का नाम है, यानी कि कौन से मुख्यमंत्री के समय राज्यपाल कौन थे, ठीक है,
कोई एक है वो इसमें गलत दे रखा है मित्रों, ठीक है, कोई एक है वो इसमें गलत दे रखा है। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ओपी मेरा राज्यपाल का नाम है, और ये दोस्तों शिवचरण माथुर के समय थे राज्यपाल, बिल्कुल सही है, शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे। निर्मल चंद जैन जब राज्यपाल थे उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, बिल्कुल सही है। अंशुमान सिंह जब राज्यपाल थे उस समय दोस्तों वसुंधरा राजे है वो मुख्यमंत्री नहीं थी। दोस्तों मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो अंशुमान सिंह जब मुख्यमंत्री थे, सॉरी जब अंशुमान सिंह राज्यपाल थे उस समय मुख्यमंत्री थे कौन, अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत थे दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद जब राज्यपाल थे उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ है दोस्तों मुख्यमंत्री है दूसरी तरफ राज्यपाल दे रखे हैं, बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें देखिए मोहनलाल सुखाड़िया के समय दोस्तों हुकुम सिंह राज्यपाल थे, बिल्कुल सही है। हरदेव जोशी के समय डॉक्टर संपूर्णानंद, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं हरदेव जोशी के समय दोस्तों श्री रघुकुल तिलक है वो राज्यपाल रह चुके हैं, और सुखदेव प्रसाद भी दोस्तों हरदेव जोशी के समय रह चुके हैं राज्यपाल, ठीक है। तो यहाँ पे संपूर्णानंद है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, संपूर्णानंद है वो मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये राज्यपाल थे। जगन्नाथ पाड़िया के समय दोस्तों रघुकुल तिलक भी थे, बिल्कुल सही है। और हीरालाल देवपुरा जब मुख्यमंत्री थे तब ओपी मेरा राज्यपाल थे। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भैरव सिंह शेखावत। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, तो वो थे दोस्तों टीकाराम पालीवाल। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे, बताइए दोस्तों कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टीकाराम पालीवाल 1962 में, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। एक एक प्रश्न है वो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर टीकाराम पालीवाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनना है दोस्तों, यानी कि मुख्यमंत्रियों का क्रम है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो क्रम है वो क्रम है दोस्तों बरकतुल्ला खान, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, ये जो क्रम दे रखा है ये दोस्तों बिल्कुल सही क्रम दे रखा है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भैरव सिंह शेखावत। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत है ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है, राज्यपाल नहीं रहे उपराष्ट्रपति रहे, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और संविधान सभा के सदस्यों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन थे। तो
तो वो थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। यहाँ पर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है, आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बताइए राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है टीकाराम पालीवाल के। यहाँ पर दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल के। आगे देखिए, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था? बताइए निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है शिवचरण माथुर ने इस्तीफा दिया था दोस्तों 23 फरवरी 1985 को। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? बताइए निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों देखिए कूट भाषा में है, वो अपने को उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए, एक तो बरकतुल्ला खां और एक भैरव सिंह शेखावत, ये दोनों दोस्तों कोई भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे, बाकी जयनारायण व्यास रहे, मोहनलाल खड़े भी रहे। तो यहाँ पर बी और डी है वो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में? दो नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? बताइए, मैंने अभी आपको बताया दोस्तों टीकाराम पालीवाल, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, टीकाराम पालीवाल। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ है दोस्तों मुख्यमंत्रियों के नाम है, दूसरी तरफ कार्यकाल है। एक तरफ मुख्यमंत्रियों के नाम है, दूसरी तरफ है कार्यकाल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जगन्नाथ पाड़िया का जो कार्यकाल है वो 1980 से 1981 तक है, बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खान का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1971 से 1973 तक है। भैरव सिंह शेखावत का जो कार्यकाल 1977 से 1980 तक है। और मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल है वो दोस्तों 1954 से 1957 तक है। तो ये दोस्तों पहले से ही सारे के सारे सही सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत की संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? बताइए दोस्तों कौन सी अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ है वो दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? तो वो है दोस्तों तीसरी अनुसूची के माध्यम से शपथ है वो दिलाई जाती है, तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या होगी? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या होगी तो वो कौन सी होगी? तो वो होगी दोस्तों विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। तो यहाँ पर तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होती है? राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर मैंने भी आपको बताया था दोस्तों, राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बताने की जरूरत ही नहीं इसमें। तो आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है? देखिए अधिकतम तो मैंने आपको बता दिए 30, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है राज्य मंत्री परिषद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12 सदस्य हैं वो कम से कम होने ही चाहिए, दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है राज्य मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है राज्य मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 164(2), अनुच्छेद 164(2), तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, राजस्थान में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राजस्थान में मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत ये इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की? तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 164(1) के अनुसार। तो यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 170। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 170। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल के द्वारा। आगे देखिए, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संविधान का 52वां संशोधन कानून, संविधान का 52वां संशोधन कानून। यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संविधान का 52वां संशोधन कानून दल बदल से संबंधित है। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था या थे, बताइए दोस्तों राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री होते समय यानी कि मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जगन्नाथ पाड़िया। यहाँ पर इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनको दोस्तों 1980 में मुख्यमंत्री है वो बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, बताइए निम्नांकित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मोहनलाल सुखाड़िया। यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया। आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी, तो बताया आप ये आपको 15% से अधिक नहीं होगी। यहाँ पर तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री के कार्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, बिल्कुल सही है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल का सलाहकार नहीं होता, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है मुख्य सचिव। तो यहाँ पर एक और दो दोनों क्या है, सही है। यहाँ पर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष होने में यानी कि पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, दोस्तों बताइए न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है?
तो वो है न्यूनतम 240 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, 40 सदस्य न्यूनतम होने ही चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा क्या पूछा गया है, एक तरफ है, सूची फर्स्ट में मुख्यमंत्री दे रखे हैं, सूची सेकंड में दोस्तों राज्यपाल दे रखे हैं। अपने को दोस्तों यहां पर क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो दोस्तों देखिए, भैरव सिंह शेखावत के समय रघुकुल तिलक थे कौन, राज्यपाल। बरकतुल्ला खान के समय थे सरदार जोगिंदर सिंह। मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद, और वसुंधरा राजे के सामने, वसुंधरा राजे के समय मदन लाल खुराना। दोस्तों ये सारे के सारे हैं वो पहले से ही सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, कूट भाषा में अगर अपन देखें तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ई सचिवालय है, ये ई सचिवालय क्या है दोस्तों, ये ई सचिवालय है, ये राज्य सरकार की क्या है, नीति है, ई सचिवालय। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, किसका मुख्यमंत्री, कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए दोस्तों कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों, देखिए सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, 17 वर्ष 4 बार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन, तो दोस्तों वो है किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए मोहनलाल सुखाड़िया है वो ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पर आएगा हरदेव जोशी। यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हरदेव जोशी। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे, बताइए कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, देखिए यहाँ पे शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत, ये दोनों कभी भी दोस्तों नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं, बाकी हरदेव जोशी रहे और वसुंधरा राजे रहे। तो यहाँ पर 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में, 2 और 3 दूसरे नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राज्य विधानसभा के द्वारा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है, कार्यकाल का सही क्रम है वो कौन किसमें है दोस्तों, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पाड़िया, शिवचरण माथुर, ये क्रम है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राज्य के प्रमुख सचिवों की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है, प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों इसमें, ये देखिए यहाँ पर देखिए, मंत्रिमंडल का सचिव होता है बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है बिल्कुल सही है, सचिवों का प्रमुख होता है बिल्कुल सही है, लोक सेवकों का प्रमुख होता है बिल्कुल सही है दोस्तों, चारों ही पद हैं मुख्य सचिव के पास में ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ABCD तीनों ही सही, चारों ही सही है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है मुख्यमंत्री, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री। आगे देखिए, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा है वो किसे देगा, तो दोस्तों ये राज्यपाल को अपना इस्तीफा देगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट में मुख्यमंत्री का नाम है और सूची सेकंड में कार्यकाल दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए जगन्नाथ पाड़िया का जो कार्यकाल है वो रहा था दोस्तों 1980 से 1981 तक। ठीक है, बरकतुल्ला खान का रहा था दोस्तों 1971 से 1973 तक, और भैरव सिंह शेखावत का जो कार्यकाल है वो रहा था दोस्तों 1977 से 1980 तक, और मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है दोस्तों 1954 से
1967 तक। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3124, 3124। तो कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर के ऑप्शन में है और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, बताइए। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो इस विषय में जो संवैधानिक प्रावधान है वो है दोस्तों क्या, तो वो है उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कौन करता है, सही उत्तर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री करता है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जयनारायण व्यास बने थे, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जयनारायण व्यास। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है, तो दोस्तों न्यूनतम संख्या है वो हो सकती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 11+1, यानी कि टोटल 12 हो सकते हैं मंत्री मुख्यमंत्री सहित। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, बताइए ये उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 164(1)(क) में ये उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मुख्यमंत्री को आवंटित करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मुख्यमंत्री को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान की पॉलिटी के अंदर मैंने आपको ये 3रा नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है। चैप्टर का नाम था मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।